नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। रामबन की एक खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। रामबन में इस समय सुनने में आया है कि वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, भूस्खलन हुआ है और उसकी वजह से नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो रामबन की है उस, क्योंकि यहां से जो कश्मीर में यात्रु जा रहे हैं उनको आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बारिश जो है वो आपको पता ही है कि रात को जम्मू में भी रात को बारिश हुई, आज भी जो है इस समय भी जम्मू में बारिश हो रही है। तो गर्मी से निजात तो मिल रही है लेकिन भूस्खलन की शिकायतें आ रही हैं। ये पता चल रहा है कि कहीं भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई है, पत्थर जो है वो गिरे हैं, उसकी वजह से रोड जो है वो बंद हो गए हैं। और इस समय G20 की बैठक जो है वो भी बैठकें जो है वो भी कश्मीर के अंदर चल रही हैं। यात्रु भी जो है वो भी कश्मीर में पहुंचे हुए हैं और कुछ अभी भी आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही रास्ते में ब्लॉकेज आया, लैंडस्लाइडिंग हुई तो रोड बंद हो गया, जिसकी वजह से सभी लोग जो है वो परेशान हो गए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रामबन से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं बंडी जी। बंडी जी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि रामबन में इस समय कैसी स्थिति है और कहाँ पर भूस्खलन हुआ है। ये कोई मेहार जगह है, यहाँ पर कैफेटेरिया रामबन के पास। इस समय यहाँ पर भूस्खलन हुआ है और काफी सारे, और ये यहाँ से जो ट्रैफिक विभाग के कुछ कर्मचारी से मैंने बात की है, कहते हैं यहाँ पर काम तो चल रहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यात्री यहाँ पर तकरीबन कोई 2 घंटे से खड़े हुए हैं और ये अब ट्रैफिक पर यहाँ पर इतना लंबा जाम लगा है कि कोई काम जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 7 से 8 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है और यहाँ पर यात्री कुछ तस्वीरें भी हम जो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें रामबन की हैं। जी 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 जी, रामबन की है। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है अभी फिर से और होने की आशंका है यहाँ पर। अभी जो रोड जहाँ भूस्खलन हुआ तो वो मलबा हटाने की भी कोशिश चल रही है कि नहीं? यो यहाँ के ट्रैफिक विभाग से मैंने जब बात की तो वो कहते हैं कि हमने कुछ गाड़ियां भेजी हुई है, जैसे ही वहाँ से सिग्नल आता है तो हम यहाँ से गाड़ियां भेजेंगे, लेकिन वो काफी ये सिर्फ लोगों को, क्योंकि लोग जिनकी ट्रेनें हैं रात की और वो काफी उनको वो थोड़ी संभावना दे रहे हैं कि वो जल्दी करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ बता नहीं रहे, क्लियरली बता नहीं रहे कि कब तक खुलने वाला ये, मतलब समय कोई निर्धारित नहीं है। इस समय बारिश हो रही है कि नहीं? इस समय हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जो अभी जो मैं यहाँ का मौसम है उसके अकॉर्डिंगली मैं देख रहा हूँ कि काफी तेज होने वाली है, मतलब अभी काफी तेज बारिश होने वाली है। हाँ, क्योंकि मैं जब कश्मीर से वापस जब देख रहा था, कश्मीर में जब वो काजी कुंड का एरिया था बनिहाल में, तो इतनी तेज बारिश थी कि वहां पर भी मेरे को लगता था कि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, क्योंकि काफी लोग G20 के कारण काफी लोग वहां से गए, कुछ आधा प्रोग्राम तो कल खत्म हुआ, वहां से कुछ लोग वापिस आ रहे हैं, तो कुछ वहां पर ही अभी, मतलब कश्मीर में आने जाने वाले लोग जो है वो। हाँ, हम आपको थोड़ी जम्मू की भी तस्वीरें लोगों को दिखा देते हैं, लेकिन ये जो यात्रु हैं उनको भी परेशानी है, क्योंकि कई तो पहली बार आए होंगे तो उनको ये चीजें देखकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। देखिए, एक चीज है इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारे अपने ट्रैफिक विभाग का और मौसम विभाग का है कि उन्होंने, अगर जो ट्रैफिक का अगर ऐसा था तो उन्होंने पहले ही गाड़ियों को रोक देना चाहिए था, जबकि मैंने कल कोशिश की कि ट्रैफिक की साइड देख करके, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं है लेकिन उस साइड पे कुछ अपडेट नहीं था ताकि वहां के लोग वहां पर रहते, यहाँ के लोग यहाँ पर रहते, क्योंकि कुछ लोग जिनको इस अपने हाईवे का पता नहीं है, क्योंकि हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, जोरों से चल रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़े से कोई रामबन से लेकर के रामसू एरिया और अगर हम बनिहाल तक है, अभी वहां काम चल रहा है, वो हल्के हल्के से वहां पर छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं। जी जी, मतलब अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई निश्चित टाइम नहीं है कब तक रोड खुल सकता है, हाईवे खुल सकता है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अभी जैसे कि कश्मीर के मौसम आज और कल का बताया हुआ है, जो जम्मू के लोग खासकर जम्मू से जो कश्मीर की तरफ आ रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि आप 1 या 2 दिन के लिए रुक रहे हैं, यहाँ जी ट्रैफिक वालों से पूछ कर आए कि ये अभी रोड के हालात कैसे हैं, क्योंकि जो बनिहाल रामबन से बनिहाल का रोड अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, आपने हालात देख लें। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखें, रामबन में जो है भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो गया है, आने जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हाईवे बंद होने की वजह से लंबा जाम जो है वो लग गया है और कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब तक ये खुल सकता है, क्योंकि मौसम आप जम्मू में भी देखें, यहाँ पर भी
हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह की बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो अगर कोई इस समय ट्रैवल करना चाह रहा है तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लें और फिर घर से निकलें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।